Very good evening, students. Today we'll study about the class 9 and that is nothing but CBSE MCQ pattern जो कि हम लोग रोज की तरह डिस्कस कर रहे हैं और आजकल हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में. सो आइए जानते हैं आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9 का मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन. आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है. मेडी स्टूडेंट्स, a car moving on along a straight road is an example of this type of motion. So basically एक car move कर रही है basically किस पे, straight road पे. It is an example of which type of motion. So let us see the explanation part. So explanation part is what you can see here. So हमें ध्यान रखना straight road दे रखा है. The car is moving on a straight road. The car is moving on a straight road. So car क्या कर रहा है? Basically it is moving along a straight road. And what will happen? So it will form which type of motion? Random motion, circular motion, rectilinear motion, periodic motion. So what is basically you can say that random means motion क्या होगा basically? Randomly होगा कभी means at one instant क्या हो जाएगा? A1 to A2, suppose A3, A4. तो हर एक इंस्टेंट पे क्या होगा? रैंडम मोशन होगा. कभी मींस देयर विल बी अ व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. मींस वैल्यू क्या होगी? कभी 2 किलोमीटर पर आवर होगी, कभी 3 होगी और कभी 4 होगी. लाइक दिस मींस ये जो होगा हमारा वेरिएबल और कह सकते हो रैंडम और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. नेक्स्ट इज वॉट सेकेंड क्या दे रखा है? सर्कुलर है बेसिकली. सर्कल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर बिल्कुल नहीं होगा. रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक. पीरियोडिक में क्या होता है? टू एंड पीरियोडिक क्या फॉलो करता है? टू एंड फ्रो मोशन फॉलो करता है. दैट इज नथिंग बट यू कैन से इन द कहाँ पे होता है बेसिकली, कहाँ पाया जाता है? सिंपल पेंडुलम में देखा जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माय डियर स्टूडेंट्स, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है? व्हेनेवर ए बॉडी एनी बॉडी which is moving in a straight line direction, straight direction or you can say that, वो क्या करता है? क्या follow करता है? Rectilinear propagation. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा rectilinear propagation which for? Rectilinear और कह सकते हो आप translatory motion. Translatory motion कब आएगा? जब भी यहाँ पे question में अगर आपको नजर आएगा straight line, straight road, that is nothing but what? Answer हो जाएगा हमारा rectilinear motion. आइए चलते हैं next question. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे. स्क्रीनशॉट ले सकते हो माय स्टूडेंट्स आप लोग. बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रहा है. So second question is, the instrument that measures the distance covered by vehicles in motion, the instrument that covers the that measures the instrument that measures the distance covered by vehicles at in motion दे रखता है. vehicles in motion is called as dash. options, what are the options? let us see a b c and d. first is स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, गैलोमीटर, ओडोमीटर. स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, गैलोमीटर लास्ट वन इज ऑडोमीटर. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स.
सो आइए जानते हैं बेसिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर द व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल्स इन मोशन। कोई भी अगर व्हीकल अगर मोशन में है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज डैश। सो बेसिकली यू नो दैट स्पीडोमीटर इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, बट इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट। क्वेश्चन पे जाइए आप, डिस्टेंस कवर की बात कर रहा है, डिस्टेंस कवरिंग की बात कर रहा है। सो स्पीडोमीटर में होगा इट कैलकुलेट द स्पीड। थर्मामीटर आपको पता है, थर्मामीटर किस लिए यूज किया जाता है, इट इज बेसिकली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नथिंग बट किस लिए मेजर किया जाता है, टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, टेम्परेचर, टी फॉर थर्मामीटर एंड टी फॉर टेम्परेचर। स्पीडोमीटर इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड और गैलोनोमीटर इज अ डिवाइस इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस और शंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑडोमीटर इज द आंसर बेसिकली ऑफ दिस क्वेश्चन, जो बेसिकली किससे यूज होता है, इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ये किस लिए यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस कितना कवर किया है किसी भी व्हीकल ने उसको कैलकुलेट करने में यूज होता है। तो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करते रहिए, हैबिट बना लीजिए, हैबिचुअल हो जाइए बेसिकली फॉर एग्जामिनेशंस, अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ऑलमोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर भी लेके आऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, जितने मार्क्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इज एग्जैक्टली एज यू कैन से दैट मॉडल पेपर। Next question number third, let us see what is given. Dash motion of a pendulum has been used to make dash clocks. Question number three, dash motion of a pendulum has been used to make clocks. और ये क्वेश्चन भी आया है हमारा JEE में 2012 चीज है, मीन JEE 9 टू 12 जो भी सिलेबस आपको कवर करता है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी एंड डी व्हाट इज गिवन। सो फर्स्ट वन इज योर अप एंड डाउन, पीरियोडिक, रैंडम एंड ट्रांसलेटरी। अप एंड डाउन मोशन, सेकेंड वन इज योर पीरियोडिक रैंडम, लास्ट वन इज ट्रांसलेटरी। तो ये दे रखा है, लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर पेंडुलम दे रखा है, पेंडुलम के मोशन के बारे में बात कर रहा है, जो टू मेक क्लॉक्स में जो बेसिकली यूज होता है, हमारे घरों में यूज होता है, सो दैट इज समथिंग बट व्हाट, हमेशा क्या यूज होगा यहाँ पे, पेंडुलम इज लाइक दिस। आपके पोजिशन आपको पता ही है, देयर आर ओवरऑल थ्री पोजिशंस, टू आर एक्सट्रीम पोजिशंस, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन यू कैन से दैट, और एक्सट्रीम पोजिशन कहलाता है ये वाला भी और ये वाला भी, जैसे दैट ए एंड बी, और सी जो होता है हमारा क्या कहलाता है, सी इज एन मीन पोजीशन। सी क्या होता है हमारा, मीन पोजीशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यू कैन से दैट व्हाट, पेंडुलम में कौन सा मोशन फॉलो करता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो करता है, दैट इज नथिंग बट पीरियोडिक होता है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, आगे एंड पीछे, मींस यू कैन से द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन इन ए कंटिन्यूअस मैनर, जो क्या होता है ऑसिलेशन आप कह सकते हो, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन को फॉलो करता है। बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फोर।
वही जानते क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, फॉर ए बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ the direction of motion of a body changes with किसके हिसाब से चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंजेस विद डैश. फर्स्ट ऑप्शंस आर व्हाट, ए बी सी एंड डी इज गिवन. सो लेट अस सी व्हाट इज ए बी सी डी, क्या दे रखा है ऑप्शंस, टाइम स्पीड डायरेक्शन डिस्टेंस. टाइम स्पीड डायरेक्शन डिस्टेंस. माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, तो हमें क्या ध्यान रखना है एक्सप्लेनेशन पार्ट में, लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सर्कुलर मोशन कह रहा है, सर्कुलर मोशन जब भी आता है हमारे क्वेश्चन में, तो हर एक इंस्टेंट पे क्या होता है, हर एक इंस्टेंट पे क्या होता है उसका मोशन जो होता है विद द डायरेक्शन चेंजेस. सो वी कैन से दैट सर्कुलर मोशन में देखो, अगर कोई भी बॉडी है तो हर एक इंस्टेंट पे, अगर बात करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे वो टैंजेंशियली वर्क करेगा. सेंटर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, आप 90 डिग्री बनाएगा हमेशा. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है. सो किसके वजह से चेंज हो रहा है, हमेशा डायरेक्शन के वजह से चेंज हो रहा है. दैट्स नथिंग बट डायरेक्शन विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, this is about the last question of the day. आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में. आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 5, a man walking on a straight road is considered to having a dash motion. A man walking on a straight road is considered to be having a dash motion. भाई ये जानते हैं ऑप्शन में क्या है, ए बी सी. तो एक ऑब्जेक्ट है, हमेशा एक मैन है स्ट्रेट डायरेक्शन में रोड पे वॉक कर रहा है. सो रोटेटरी, कर्वी लीनियर, लीनियर, वाइब्रेटरी. रोटेटरी, कर्वी लीनियर एंड वन इज लीनियर एंड वाइब्रेटरी. लीनियर मोशन. ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा लीनियर.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर जो भी चीज़ें आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आप एनी टाइम। और आज के लिए काफ़ी है और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी मैं और भी वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी, और भी मेरी प्लानिंग है कि बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ मैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं जल्दी जल्दी और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए ले आऊँ और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिले। सो आज के लिए थैंक यू।